हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं डलमऊ, जो कि जहाँ पे गंगा जी बहती हैं। अभी हम लोग गए हैं रायबरेली सिटी में। तो अभी यहाँ से गंगा जी का सफ़र तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर का है। तो अभी हम लोग यहाँ बिना किसी देरी के निकलते हैं यहाँ से। और दोस्तों, आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है और आपका इतना प्यार मिल रहा है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको पूरा लाइब्रेरी, मतलब अब लाइब्रेरी घुमा ही रहा हूँ। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है, वो प्लीज़ जाए और मेरी पुरानी वीडियो देखें। और जिन लोगों ने देख ली है, उनको दिल से शुक्रिया। तो आप लोग वीडियो में ऐसे बने रहो, चलते हैं गंगा जी। तो गाइस, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल जी। हाय। तो अब हम लोग चल रहे हैं गंगा जी, और चलते हैं आज गंगा जी के स्नान करके आते हैं, और आप लोग को भी आज गंगा जी के दर्शन कराते हैं, जो कि हमारे रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र में पड़ती है। तो हम लोग चल रहे हैं, अब रास्ते में हैं, तो फिर पहुंचते हैं और आपको फटाफट दर्शन कराते हैं गंगा जी के। तो वीडियो में आप लोग ऐसे ही लगातार बने रहें और देखते रहें अपना प्यार, और इसने ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखे। तो अब मछली तुम्हारा भाई पकड़ेगा। दोस्तों देखिए, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, दूर दूर तक गंगा जी का जल ही जल बह रहा है, देखिए। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसी नाव भी मिल जाएगी। आप चाहे तो नाव का भी यहाँ पे आनंद उठा सकते हैं। माँ गंगा के पावन तट पर आए हुए समस्त श्रद्धालुओं का घनश्याम पंडा की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एक हंसी मजाक का चुटकुला आपको हम सुनाते हैं डलमऊ के बारे में। जी जी। चर चबैनी गंग जल जो पूरा करे करतार, तो डाला मऊ न छोड़िए जब तक मिले उधार। सियावर रामचंद्र की जय, गंगा मैया की जय, कपिल महाराज की जय। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, आप लोग जो भी पिंड पकड़िए वहाँ पे, जब तक उधार मिले दबा के खाइए, और जब कोई मांग ले तो तुरंत छोड़िए, वो पिंड खत्म करिए। गाइस, अब हम लोगों ने गंगा स्नान कर लिया है और चल रहे हैं अब घर की ओर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बना के रखें। तो फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।